दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊ जी और जादू का डंडा। मेरे ख्याल से ताऊ जी की फर्स्ट कॉमिक्स है, क्योंकि इसी कॉमिक्स में ताऊ जी को जादू का डंडा मिलता है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसे मिलता है। राजा चंदन सिंह के दो पुत्र थे, नल और नील। दोनों ही जब कुछ समझदार हो गए तो राजा उन्हें युद्ध विद्या सिखाने हेतु कोई योग्य व्यक्ति खोजने में लग गया। उसने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री जी, नल नील को हम ऐसे व्यक्ति से युद्ध विद्या की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं जो इन्हें युद्ध कला में पारंगत कर दे, ताकि कोई हमारे राज्य का बाल विवाह न कर सके। महाराज, हमारे राज्य का एक बहुत नेक और बहादुर व्यक्ति इस कार्य हेतु उपयुक्त है, और वह ताऊ जी। वे अपने सूबे के लड़कों को एकत्रित कर उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा देते हैं। फिर तो वह कोई यूं ही होगा, हमें तो किसी निपुण और विलक्षण व्यक्ति की तलाश है। ताऊ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज, काफी उम्र होते हुए भी उनमें गजब की ताकत है और फुर्ती है। एक बार मेरे सामने ही उन्होंने जंगल में निहत्थे ही एक शेर के जबड़े पकड़कर उसे चीर दिया। अच्छा, हाँ महाराज, बाद में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये वे सारा वक्त दीनों की सेवा में बिताते हैं। लोभ मोह तो उन्हें छू नहीं गया है। ठीक ठीक, आप उन्हें बुलवाइए, हम उनकी परीक्षा लेंगे। कुछ देर पश्चात महाराज ताऊ जी हाजिर है। प्रणाम महाराज, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, पर आप तो बहुत साधारण लगते हैं। महाराज, हूं तो साधारण किसान ही, पर आपकी आज्ञा को जी जान से पूरा करने की कोशिश करूंगा। बस मेरी खासियत इतनी है कि बच्चों के साथ में मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ, और दुश्मनों के सामने फौलादी चट्टान। दुखियों की खातिर मेरे सीने में कोमल दिल है, तो दुष्टों के लिए पत्थर का दिल। हम आपके विचारों की कदर करते हैं। महाराज ताऊ जी को एक लोहे की छड़ देते हैं। जरा हमें ये मोड़ कर दिखाओ, लाइए कोशिश करता हूँ। ताऊ जी छड़ लेकर दोनों हाथों से उसे दबाकर दोहरा कर देते हैं। बहुत खूब, अब जरा तलवार का भी हाथ हो जाए। लीजिए महाराज, इस जलती मोमबत्ती पर तलवार का कमाल देखिए। ताऊ जी जलती मोमबत्ती पर तलवार का एक जोरदार वार करते हैं, परंतु मोमबत्ती ज्यों की त्यों जलती रहती है। मोमबत्ती पर तो आपका वार खाली गया ताऊ जी, कैसे तलवारबाज हैं आप। नहीं महाराज, मेरा वार खाली नहीं गया, मोमबत्ती उठाकर देख लीजिए। राजा ने जैसी मोमबत्ती उठाई वह आधी उसके हाथ में आ गई। वाह, मोमबत्ती को तो आपने बहुत सफाई से काटा, हम आपके कौशल से बहुत प्रसन्न है। आज से हमारे बच्चों को आप युद्ध विद्या सिखाएंगे। ठीक है महाराज, मैं बच्चों को खेल ही खेल में निपुण कर दूंगा। ताऊ जी ने नल नील को तलवार, तैराकी, तीर कमान, घुड़सवारी, कुश्ती आदि सिखाना प्रारंभ कर दिया। ताऊ जी के मजाकिया व्यवहार के से ने दोनों बालकों का दिल जीत लिया। वे मन लगाकर युद्ध विद्या का अभ्यास करते। कुछ ही दिनों पश्चात, ताऊ जी आपने सचमुच मेरे बच्चों को शेर बना दिया। मेरा आग्रह है कि आप हमारे सदस्य बनकर महल में रहे, ताकि आपसे सलाह मशवरा लेकर हम अपने राज्य को और शक्तिशाली बना सके। मुझे कोई ऐतराज नहीं महाराज, पर मुझ पर कोई पाबंदी न लगाई जाए, ताकि मैं कोई भी उचित कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकूं। हमें मंजूर है ताऊ जी। और ताऊ जी के दिन महल में मौज से कटने लगे। वे दिन में एक बार राज्य में जगह 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 जाकर लोगों का दुख दर्द अवश्य पूछते, और खाली समय में बच्चों से मस्करी करते। एक दिन दरबार में पड़ोसी राजा हिम्मत सिंह का दूत एक खत लेकर आया। महाराज की सेवा में यह पत्र लाया हूँ। महाराज, हिम्मत सिंह आपकी पुत्री मेनका से अपने पुत्र दिलीप सिंह का विवाह करना चाहते हैं। यह तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हो, हम भी यही चाहते थे। तो क्या मैं ये शुभ समाचार अपने महाराज को दे दूं? हमारा संदेश उन तक अवश्य पहुंचाओ। हमारा पत्र उन्हें देना और कहना कि वे अगली पूर्णिमा को बरात लेकर आए। लो हमारा ये पत्र। ठीक है महाराज। दूत के जाते ताऊ जी दरबार में प्रवेश करते हैं। आइए ताऊ जी, आज हम बहुत खुश हैं, हमारी पुत्री का विवाह अगली पूर्णिमा पर राजा हिम्मत सिंह के पुत्र से होना तय हुआ है। यह तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे योग्य कोई सेवा बताइए।
सेवा क्या है, मैं सारा प्रबंध आप पर छोड़ता हूँ। जो आज्ञा महाराज, मैं अपनी ओर से कोई कसर न उठा रखूंगा। ताऊ जी बड़ी फुर्ती से तैयारियां करवाते हैं, कई जोरियों को बुलाकर जेवर खरीदते हैं, कई पोशाके सिलवाने दर्जी बुलाते हैं। देश का सम्मान तथा बड़ी पकवानों की तैयारियां भी पूर्ण हो गई। विवाह का दिन नजदीक आ गया। वाह, पूर्णिमा के दिन राजा हिम्मत सिंह बरात लेकर रवाना हो गए। बैंड बाजों के साथ धूमधाम से बरात निकल पड़ी। दोनों राज्यों के बीच पड़ने वाले जंगल से जब बरात गुजर रही थी, तभी अरे बाजे वाले कहां गायब हो रहे हैं, धुआं बनकर उड़ रहे हैं, कमाल है। और दिलीप भी धुआं बनकर गायब हो गया। यह देख हिम्मत सिंह घबरा गया, अरे मेरा बेटा भी गायब हो गया, हे भगवान ये कैसा खतरनाक मजाक है। लगता है शादी की आड़ में चंदन सिंह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। यदि यह चंदन सिंह की चाल है तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम वापस नहीं लौटेंगे, हम चंदन सिंह के पास जाकर जवाब तलब करेंगे। महाराज बरात आ गई है, पर गाजे बाजे के बगैर क्यों आ रही है। चंदन सिंह को देखते ही हिम्मत सिंह आग बबूला उठा, ये तुमने किस बैर का बदला लिया चंदन सिंह। महाराज बरातियों पर उदासी क्यों छाई हुई है। बैर क्या कह रहे हो हिम्मत सिंह, आखिर हुआ क्या, दिलीप कहां है। मेरे बेटे को खुद गायब करवा के पूछते हो कि दिलीप कहां है। क्या दिलीप को किसी ने गायब कर दिया। नहीं हिम्मत सिंह, इसमें मेरा हाथ नहीं, मैं तो खुद से अपना दामाद बनाना चाहता था। हिम्मत सिंह जी आपको वैसे ही गलत फहमी हुई है, हम तो इस संबंध के वर्षों से इच्छुक थे। आप कृपया क्रोध त्याग कर हमें पूरी घटना सुनाइए। हम बरात लेकर गाजे बाजे के साथ आ रहे थे, हम जैसे बीच जंगल में पहुंचे सारे बाजे वाले दुआ बनकर गायब हो गए। क्या गायब हो गए। हाँ, सबके देखते देखते हमने बिना बाजे के आगे बढ़ना शुरू ही करना चाह था कि राजकुमार दिलीप भी गायब हो गया। हम सब परेशान हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों ने शादी की आड़ लेकर ये षड्यंत्र रचाए। हमें बेहद दुख है कि आपने हमें गलत समझा। हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह केवल दिलीप से होगा, अन्यथा वह आजीवन अविवाहित रहेगी। यह तुमने क्या कर डाला चंदन सिंह, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्त, अपने अपने को निर्दोष साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं भी आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक राजकुमार को ढूंढ नहीं निकालूंगा, न चैन से बैठूंगा, न अपने राजा का मुंह देखूंगा। नहीं ताऊ जी, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा मत कीजिए, मुझे मत रोकिए महाराज। यह हमारा ही नहीं परंतु हमारे राज्य के सम्मान का भी प्रश्न है, मैं अभी ही जाऊंगा। ठीक है ताऊ जी, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप अपने साथ जितनी चाहे सेना और मुद्राएं ले जा सकते हैं। मुझे सेना की जरूरत नहीं, परंतु मुद्राएं अवश्य ले जाऊंगा ताकि यह धन आड़े वक्त में काम आ सके। हिम्मत सिंह जी, मेरा निवेदन है कि आप दुल्हन लेकर ही विदा हो, इसलिए आप मेरे लौटने तक कृपया महल में ही विश्राम करें। हमारी प्रतिज्ञा सुनकर तो हम इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी तरफ से ये हीरे की माला स्वीकार कीजिए। शुक्रिया महाराज। ताऊजी ये लीजिए पोटली, इसमें स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ हीरे मोती भी है, ईश्वर आपको सफल करेगा। ताऊजी सावधानी से जाइएगा, आप चिंता न करें महाराज, 7 दिन के अंदर अंदर या तो राजकुमार को लेके लौटूंगा या फिर आपको मेरी लाश ही मिलेगी। इस पूरे जंगल को छान मारूंगा, राजकुमार कहीं तो होगा। धुआं बनकर उड़ने की बात से लगता है कि यह किसी भूत प्रेत या जादूगर का करिश्मा है। अरे यहाँ पर झोपड़ी, चलकर देखूं इसमें कौन रहता है, शायद कोई सुराग मिल जाए। अरे कौन है, खोखो अंदर आ जाओ, मैं एक पैसा मुसाफिर हूं। अंदर एक बुढ़िया चरखा कात रही थी। मैं बहुत थका हूं अम्मा जी, ठहरने को जगह चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा अंदर आ जाओ, बैठो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। आओ बेटा खाना तैयार है। बुढ़िया ने ताऊजी को खाने के लिए कुछ देर बाद बुलाया। आपने बहुत बहुत कष्ट किया माँ जी। कष्ट कैसा, इधर किस काम से आए थे। बस माँ जी, काम की तलाश में किसी अन्य राज्य में जा रहा था कि रास्ता भटक गया।
रास्ता भटकने पर मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि एक बरात दिखी। मैं उनके साथ चलकर जंगल से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि एक आश्चर्यजनक करिश्मा हुआ। कैसा करिश्मा? अचानक बैंड बाजे वाले और दूल्हा धुआं बनकर गायब हो गया। मैं डरकर भागा तो रास्ता भटक गया। वो तो ये भी उसी दुष्ट की करामात है। भगवान जाने वो शैतान कब तक ये खेल खेलता रहेगा। कौन दुष्ट? किसने ये हरकत की है? तुम जानती हो माँ जी, यह सब सुनहरी झील के राक्षस की करतूत है। सुनहरी झील कहाँ है, क्या तुम जानती हो? मैं तो नहीं बता सकती, पर हाँ, यहाँ से 50 कोस की दूरी पर एक काली मंदिर है। वहां का मांत्रिक तुम्हें उसका पता अवश्य बता देगा। पर तुम यह सब पूछ क्यों रहे हो? माँ जी, यदि मैंने उस दूल्हे को लाकर उसके पिता को सौंप दिया तो हो सकता है कि उसका बाप मुझे नौकरी दे दे, क्योंकि वह बरात राजघराने की लग रही थी और इसे इस दुष्ट को दंड भी मिलेगा। पर वह बड़ा खतरनाक राक्षस है, उसने चार और मायाजाल फैला रखा है। मुझे खतरनाक खेल खेलने की आदत है माँ जी। शहबाज बेटा, मुझे तुम्हारे विचार बहुत पसंद आए। यह मेरा जादुई डंडा तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। पर क्या? पर इसकी मदद से तुम उस राक्षस को नहीं मार सकते। बस बस माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम काफी हल्का कर दिया। आप आज्ञा दीजिए। जुग जुग जियो बेटा, इस डंडे से कोई गलत काम न करना, वरना इसका जादू नष्ट हो जाएगा। तुम्हें इसे सौंप कर अब मैं चैन से मर सकूंगी। ताऊ जी ने शीघ्रता से काली के मंदिर की दिशा की ओर चल पड़े। अंधेरा होने से पहले ताऊ जी काली के मंदिर में पहुंच गए। मांत्रिक चबूतरे पर समाधि लगाए बैठा था। प्रणाम मांत्रिक जी, आओ बच्चा, इधर कैसे आना हुआ? मुझे तो मांत्रिक की शक्ल देख के ऐसी आ रही है। आपसे सुनहरी झील का पता पूछना है, वहां तो एक खतरनाक राक्षस का निवास है। मुझे उसी दुष्ट से निपटना है। वो अब समझा, अब पता तो बता ही दूंगा, पर रात के वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं, रात यहीं बिताओ, जैसी आपकी मर्जी। जाओ अंदर कोठरी में जाकर सो जाओ, जो आज्ञा महाराज। जाने मांत्रिक कैसा है, अपनी सुरक्षा प्रबंध कर ही लूं। ऐ जादू के डंडे में सो रहा हूं, रखवाली करते रहना। हाँ, ताऊ जी ने कोठरी पलंग के नीचे सरका दी और आराम से खर्राटे लेने लगे। कुछ देर बाद मांत्रिक कोठरी के पास आया। लगता है सो गया, ऐसा शिकार फिर हाथ नहीं लगेगा। यूं भी ये राक्षस के पास मरने ही जा रहा था, मैं इसकी ये इच्छा यहीं पूरी कर देता हूं, फिर तो उसका धन मेरा है ही। मांत्रिक दबे पांव कोठरी में जाता है, उसकी नजर पोटली पर पड़ती है। आहा हीरे जवाहरात, आहा हीरे का हार, इसे उतार लूं, अगर ये जाग गया तो इसे पल भर में मार दूंगा। जैसे मांत्रिक ने गले की तरफ हाथ बढ़ाया, डंडा उठ खड़ा हुआ। यह देख मांत्रिक घबरा गया और सारा धन छोड़कर बाहर भागा, पर डंडा उस पर बरस पड़ा। मांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा, हाय मरा। चिल्लाहट में ताऊ जी की नींद खुल गई। जरूर इस मांत्रिक ने कोई हरकत की है मेरे साथ। अरे मेरी पोटली खुली पड़ी है, बाहर देखता हूं। ताऊ जी बाहर आए तो मुसाफिर भाई, आ ओह मुझे बचा लो, आए मेरे साथ धोखा करने का यही फल है। बोलो अब लूटेगा किसी को? नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मेरा आई पीछा छुड़ाओ, इस डंडे से मर गया या पहले सुनारी झील का पता बता, तब छोड़ूंगा। यहां से दक्षिण दिशा को चलो, रास्ते में एक आपकी नदी मिलेगी, उससे आपकी लपटें उठती होंगी, उसे पार करने का उपाय। यहां से काली माँ के चरणों में पड़े चावल ले जाओ, इन्हें पानी में डालने से लपटें बंद हो जाएंगी, अब तो छुड़ाओ। हाय ओह डंडे आजा मेरे हाथों में। ओताव जी ने मांत्रिक को वहीं रोता छोड़ दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर दिया। चावल तो ले लिए, पर देखो कि मांत्रिक के बच्चे ने सच बोला है या झूठ।
ताऊ जी ने बढ़ना जारी रखा और सिगरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी से लपटे उठ रही थी, परंतु चावल पड़ते ही लपटे शांत हो गई। ताऊ जी ने डंडे से कहा, यह जादुई डंडे मुझे नदी पार करा दे। डंडे में हरकत हुई और डंडा ऊपर उठने लगा। ताऊ जी उससे लटक गए और डंडा उठ चला और ताऊ जी दूसरे पार उतर गए। ताऊ जी थोड़ी दूर चले थे कि चार शेरों ने उन्हें घेर लिया। घबराहट के कारण ताऊ जी जादू के डंडे को भूल गए। वे पास वाले पेड़ की तरफ भागे, पर शेर बहुत पास आ गए थे। एक ने उन पर छलांग लगाई, तभी दोस्तों शुरू में जो राजा का मंत्री था वो कह रहा था कि ताऊ जी ने अपने हाथों से शेर का जबड़ा चीर दिया, और यहाँ पर शेर को देखने के बाद इसकी हालत देखो। कहीं से एक तीर सनसनाता हुआ आया और शेर के पेट में घुस गया। गर, अरे वाह, यह तो मर गया, पर तीर आया कहां से? पसीने रुक रहे ताऊ जी के। तभी बाकी तीन शेरों को भी एक एक तीर लगा और वे वहीं ढेर हो गए। ताऊ जी देखते ही रह गए। तभी तीर कमान लिए एक भील बालक ताऊ जी के पास पेड़ से कूदा। अरे इस बच्चे ने मुझे बचाया, शहबाश बेटे तुम कौन हो? मेरा नाम जिम्बो, मेरे पापा भील जाति के हैं, आप बहुत अच्छे, आप यहाँ क्यों आए? और बेटे जिम्बो, मैं यहाँ सुनहरी झील के राक्षस से निपटने आया हूँ। यह सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए, वह दौड़कर ताऊ जी से लिपट गया। मैं उसका पता बता दूंगा, पर मुझे भी साथ ले चलो, मैं उसके खून का पैसा हूं। तभी उधर बेल सरदार का भी आ गया। बेटा तुम इतने व्याकुल क्यों हो? उस दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला, मुझे मालूम है कि उसकी चोटी में ही उसके प्राण है, चोटी काटने से वो मर जाएगा। उसकी चोटी काटने के लिए ही मैंने तीर कमान का अभ्यास किया है, मुझे भी साथ ले चलो, मैं उससे बदला लूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे हाथों से ही उस दुष्ट को मौत के घाट उतरवाऊंगा। बाबूजी आप इसे ले जाओ, इसकी प्यास उस दुष्ट के खून से ही बुझेगी। चलो जिम्बो। बाबूजी सुनहरी झील के पास एक गुफा है, वहां राक्षस अपने कैदियों को रखता है। उस गुफा में रात पड़े घुसना, क्योंकि रात को सब राक्षस नाचने में मस्त रहते हैं। ताऊ जी जिम्बो के लेकर आगे बढ़े। रास्ते में जिम्बो ने उन्हें तीर से फल तोड़कर खिलाए। बेटे तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने अपने राजा ले चलूंगा। सच, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बाबा भी मुझे जंगल से दूर रखना चाहते हैं। दो दिन लगातार चलने के बाद वे लोग सुनहरी झील के पास पहुंच गए। यह जादू के डंडे, जब तक हमारा काम पूरा न हो हमारी रक्षा करना। आप इस डंडे से क्या बात कर रहे हैं? बेटे ये जादुई डंडा है, ये हमारी रखवाली करेगा। वो देखे बाबा की बताई हुई गुफा, इसी में चले। वो कई आदमी बैठे हैं, राजकुमार भी वहीं होगा, चेहरा तो पहचानता नहीं, आवाज लगाता हूं। दिलीप दिलीप, अरे कोई बाहर मुझे बुला रहा है, देखू। मैं हूं दिलीप, आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मैं राजा चंदन सिंह का आदमी हूँ, तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, पर आप मुझे छुड़ाएंगे कैसे? यहाँ तो बहुत राक्षस हैं, तुम फिक्र मत करो, देखते जाओ। परंतु राक्षस के बगैर मरे न तो उसका मायाजाल समाप्त होगा, न मैं बाहर आ पाऊंगा। तुम्हारी अभी हमें आवश्यकता नहीं, हम और ये जिम्बो ही उन दुष्टों के लिए काफी है। चलो बेटा, आज मेरी वर्षों की साधना का इम्तिहान है, आज वो पापी नहीं बच सकेगा। ताऊ जी और जिम्बो जैसे सामने आए, ये कौन है? इन्हें पकड़कर भून के खा जाओ, हा हा हा, आज अच्छा नाश्ता मिला है। है डंडे टूट पड़े इन पर और इन सबको ऐसी मार लगा कि सब ढेर हो जाएं। देखते ही देखते डंडे से कई सारे डंडे निकलकर राक्षसों पर टूट पड़े। अरे ये डंडा तो सब्बो जादूगरनी का है, उसने इसे मुझे न देकर इस आदमी को दे दिया, मुझसे बदला लिया इसने।
देखते क्या हो जिम्बो, दिखाओ अपना कमाल, इनको तो मार लिया पर मुझे कैसे मारोगे, हा, मेरी जान तो मेरी चोटी में है, हा, मूर्ख अब तू नहीं बच सकेगा, ले मेरा तीर। काट दी चोटी, चोटी कटते ही उसका अंत हो गया, उसके मरते ही असली असली डंडे को छोड़ सभी डंडे गायब हो गए। राक्षस राज के मरते ही उसका मायाजाल खत्म हो गया, गुफा की जगह मैदान बन गया। दिलीप भागता हुआ ताऊ जी के पास आया, आपने मेरी नहीं इन सैकड़ों लोगों की रक्षा की है, यह राक्षस जब मनुष्य था तो इस वन के जादूगर सांबा ने इसकी हत्या कर दी, मरने के बाद यह राक्षस योनि में चला गया, तब इसने धोखे से जादूगर सांबा को मार डाला। सांबा सबो जादूगरनी का पति था, वो तो वो बुढ़िया सबो जादूगरनी थी, वही से बदला नहीं ले इसकी, तो उसने ये जादुई डंडा मुझे सौंप दिया। खैर चलो इस दुष्ट का अंत हुआ, यह डंडे अब हमें घर पहुंचाने का प्रबंध करो। देखते देखते डंडे से एक विशाल विमान प्रकट हुआ, सब उसमें बैठ गए और विमान उड़ चला। रास्ते में जम्बो के बाबा मिले, बाबा मेरा बदला पूरा हुआ है, मैं ताऊ जी के साथ जा रहा हूं, तुमसे मिलने आया करूंगा। अच्छा बेटा जाओ खुश रहो। सबको अपने अपने घर छोड़ता हुआ विमान राजमहल के प्रांगण में उतरकर गायब हो गया। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा दामाद आ गया, अब मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। लीजिए महाराज, मेरा वचन भी पूरा हुआ और मुझे जादू डंडे के रूप में एक नन्हा साथी भी मिल गया, जिम्बो ने ही राक्षस को मारा था। ताऊ जी माफ करो और इस नन्हे जिम्बो का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आज रात ही शादी धूमधाम से होगी। और रात में खूब धूमधाम से शादी हुई, पर ताऊ जी मैं दीदी को बधाई तो दे आऊं, दीदी मेरी ओर से बधाई भी स्वीकार हो। हाँ हाँ बेटे जरूर जाओ। ओह मेरे नन्हे भाई, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। दिलीप उठकर ताऊ जी के पैर छूता है, खुश रहो, राजकुमारी को भी सुखी से रखना दिलीप, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, लास्ट पेज थोड़ा कटा फटा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट कॉमिक्स थी ताऊ जी की, इसलिए मैंने पढ़ दी। और आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में। इससे पहले जो कॉमिक्स मैंने पढ़ी थी ये ताऊ जी और कनकट्टा राक्षस, तो उसमें ताऊ जी को रूम जुम मिलता है, और वो रूम जुम की पहली कॉमिक्स थी, और ये इसमें ये तो है ही ताऊ जी की पहली कॉमिक्स, तो और भी मैं आगे पढ़ता रहूंगा इसकी, तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।